गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अभी तक बहुत दिक्कत है यार, अभी तक मोटर नहीं सुधरी है हमारी, जल मोटर। और प्रॉब्लम तो है क्योंकि गाइस कल दिन में पापा लेकर गए थे उसको सोनकच्छ, लेकिन सोनकच्छ में नहीं मतलब पूरा काम हो सका, तो वापस आ गए। और अभी तो कहीं जाना भी है आज पापा को, तो लगता ऐसा है कि आज शायद ही सुधर पाए। अगर जो आज सुधर गई तो हम उतार देंगे उसको हमारे बोरिंग के अंदर, और अगर नहीं सुधर पाई तो फिर कल होगा। गाइस देखिए कितना काम रुका पड़ा है। मैंने जैसा कि आपको बोला था पिछले व्लॉग में कि हमें 4-5 दिन लग जाएंगे उसको मतलब ये काम करते करते, तो गाइस हमें कम से कम 1 हफ्ता तो गया, ये मानो एक मोटर के चक्कर में। हमारी सिंचाई 1 हफ्ते में कितनी ज़्यादा हो जाती है यार। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। गाइस व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे, तो चलिए चलते हैं। अभी तो पानी वानी देखता हूँ यहाँ पर कि आया है कि नहीं। तो ठीक है, मॉर्निंग हो रही है और अब समथिंग 9 बजने वाले हैं। हाँ, 9:45 बज गए गाइस। तो सुबह दूध वगैरह निकाला था, और तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो गाइस देख सकते हैं, ये है हमारे प्याज और ये है हमारी लहसुन। मैं बताऊंगा आपको कि इनकी स्थिति क्या हो गई है बगैर पानी से, मतलब इनको पानी देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फसल बहुत जल्दी मतलब ये हो सकता है कि ये बहुत कम, इसका औसत बहुत कम बैठे कि ये बहुत कम होगी हमें। तो गाइस मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए गाइस बहुत बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं अंदर कितना सूख गया, ये प्याज है। लेकिन गाइस इसकी स्थिति तो ठीक है, लेकिन जो लहसुन है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा सूख गई है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए बताता हूँ आपको। ये गाइस देखिए, दरारें पड़ गए सब दूर पूरी लहसुन में। तो गाइस लहसुन की स्थिति मतलब ऐसे तो अभी ठीक है, लेकिन जल्दी ही पानी नहीं मिला तो ये मतलब लहसुन प्याज को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ये देखिए ज़मीन देखिए कैसी हो गई यार, मतलब गाइस इस टाइम तक हम ऐसी होने नहीं देते ऐसी बिल्कुल भी, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीन। हमारे सूरज भगवान भी काफ़ी ऊपर चढ़ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा आज अच्छी धूप है। कोई अब गाइस वो जो भी बारिश का टाइम है वो ना जाने कब तक आएगा, जो मावठे वगैरह का होता है ना बेमौसम बरसात, वो भी आता जाता रहता है क्योंकि उसका कोई मौसम नहीं होता। हाँ तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमारे मनीष भैया आए हैं, उन्होंने हमें आवाज़ लगाई। मैं अभी पानी देखने गया था ना, इस ही डायरेक्ट आएगा साहब। मनीष भैया राम राम, राम राम। और कहीं हाल चाल है? बढ़िया। जिंदगी कैसी कैसी चली? पार्टी बहुत खेती। जब भी इनसे बात करो, जब तक मोबाइल हेड ले, कभी मोबाइल आई जाए ठीक हो बोले उठे। गाइस ये क्या है? शाम भी ले खेल। यो जी दफ्तर है मोबाइल। कहाँ की जगह? उनका। शाम भी खेल बढ़ जाए। उनका गया भी सुबह का गया होगा यार।
सुबह में गया बीच गया है तो ले ये चाय मिल रही ले हूं कांदा की दवा जे रे सुनो हैं कांदा की दवा दवा कस खान मिला कभी कांदा में शिट में दवा नहीं तो कहीं होगा जो गोड़े नहीं पीड़ा पड़ी है तो दवा दवा छिटो चौधरी का सलाम दवा छिटो दवा अच्छा डेमो लिखे जा रहे हो साथ में तो गाइस हमारे मनीष भैया के जो प्याज है वो पीलेपन की शिकायत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यूज करना चाहिए अभी तो पेठा खाई दिया है इनखेत दे दिया है अभी मैं पानी फेर रही था जब तक इनने आवाज दे दी मैंने कि वाह यार मनीष भैया आएगा तो इनकी दुकान थोड़ी है उनकी वे तो खाली मोटर सुधारे है यार मतलब वे कहीं है ही करता था बाकी अभी कहीं उनमें मोटर में कहीं ना कहीं चीज घसे गए अंदर तो वहाँ लगेगा अब वही चीज प्लेट नहीं घसेगी वो हाँ वो कहीं है बड़ी नहीं है मोटर बड़ी घसे घसे के वायर फटी हो वायर से करंट फैली गो ने फल्ट हो गई नहीं बड़ी उनने की नहीं बड़ी बढ़ती तो बड़ी दिक्कत आई से लेगा मोटर मोटर भी गाड़ी से लेगा मतलब खोली खा देती उन्होंने तो पूरी खोल दी थी अब पूरी घसी घुसी कर ले आएगा पूरी चलो मिलो फिर नहीं आराम से जाइए तो गाइस हम देखिए लेकर आ गए इनके आटे खराब हो गए थे तो आटे बनवा कर लेके आए हैं अब उतारेंगे मोटर को होल में तो चलिए चलते हैं तो मैं यहाँ से दो पाइप तोक के ले जाता हूँ और बाकी के थोड़े बहुत पापा लेके गए हैं पापा और एडिटर साहब दोनों तो चलिए चलते हैं हाँ तो गाइस आज हमारा मोटर का काम पूरा हो चुका है हमने होल में उतार दिए मोटर अब चेक तो कर ली थी हमने बाहर ही लेकिन शाम को एक बार कर लेंगे और चालू हो जाएगी फिर अब वही काम बचा है जो जैसे वो घोड़ी लेके आया था ना वही घोड़ी हमने हमारे जिस साहब की घोड़ी है वो गांव में तो उनको देकर आएंगे पापा ने गए हैं और अभी मैं भैंस वगैरह बांधता हूँ तो ठीक है व्लॉग आज लंबा हो गया लंबा क्या व्लॉग तो लंबा होता ही रहता है गाइस फिर खेती से रिलेटेड है वीडियो तो क्या बताएं अगर छोटा सा व्लॉग रखे तो बताइए गाइस अभी तो मैं चाय पी रहा हूँ आज का व्लॉग आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही See you soon.